Today we are going to discuss regarding the coordinative ability. Now the question is, what is coordinative ability or what is coordination? Coordination क्या है या coordinative ability क्या होती है, हम normally करते हैं. इसे हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो various activities होती हैं हमारी, अलग अलग प्रकार की activities जो हैं वो accurately, effectively और efficiently की जाती हैं. ठीक है ना बेटा, ये हमारी जो activities हैं ये बड़े ध्यान से और बड़े समझदारी से इनको किया जाता है, जहाँ पर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और हमारी फिजियोलॉजी पूरी बॉडी का कॉम्बिनेशन जो है वो साथ में होता है. ठीक है ना बेटे, जहाँ पर बॉडी के मूवमेंट्स, जो अलग अलग प्रकार के हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हैं, जैसे हाथ से हेल्प करनी या लेग से है या फुट से है या फिंगर से है या एल्बो, कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट है. ठीक है ना, बॉडी मूवमेंट जो है वो अलग अलग प्रकार के लिम्ब से की जाती हैं, और कॉम्बिनेशन जो होता है इसका हमारी बॉडी का हमारे माइंड के साथ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्मूथ इफेक्टिव जो है वो काम को कर सकते हैं, एफिशिएंट इफेक्टिवली काम को किया जाता है. वर्क इज टू बी डन इफेक्टिवली, ठीक है ना, वर्क जो है वो एक्यूरेटली और इफेक्टिवली किया जाता है. और ये कब होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज की. बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि कोई काम फर्स्ट टाइम में जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो. इसके लिए प्रैक्टिस जितनी है या प्रैक्टिस जो है वो हमें बहुत रिक्वायर्ड होती है, और बार बार प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर इस चीज का हो जाता है. ठीक है ना बेटा, हम आसानी से उस काम को कर सकते हैं. इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर. नाउ देयर आर, इट इज क्लासिफाइड इन मैनी पार्ट्स. जो टाइप्स या कह दो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. नॉर्मली जस्ट एक हम उसका लुक लेंगे कि कौन कौन सी होती है. पहली है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन क्या होता है, हिंदी में कुछ कहते हैं इसको, पता है ओरिएंटेशन को, या ओरिएंटेशन सुना है क्या होता है. ओरिएंटेशन एबिलिटी कौन सी होती है, ओरिएंटेशन का मतलब है फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हालात, स्थिति. मान लो हमने स्किल में या टेक्निक्स जो है वो हमने कुछ और तरीके की सुनी है, सीखी है, लेकिन ऑन द स्पॉट हमें फुटबॉल खेलते हुए बॉल किस तरीके से, या ओपोनेंट हमारा जो है वो किस तरीके से गेम खेल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने उस वर्क को करना, उसको रियलाइज करना अपनी, ठीक है ना, पोजीशन को, बॉडी की पोजीशन को और उसके स्पेस को, टाइम को, और उसके अकॉर्डिंग हमने गेम को खेलना, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एबिलिटी. ठीक है ना, जब भी हम कोई भी एनालाइज करना किसी चीज को, कि अगर ये शॉट यहाँ को मारा है, मान लो गोल करते हुए, समटाइम्स यू ऑलवेज डू, या जनरली हम देखते हैं गेम्स में या जो भी शो वगैरह या मूवीज या गेम जो होती चल रही होती है वीडियोस पे, हम नॉर्मली देखते हैं तो क्या देखते हैं, समटाइम्स वी फील कि ही विल डेफिनेटली हिट द बॉल विद अ हॉकी स्टिक और बाय द फुट इन दिस मैनर, और बॉल वहां को जाएगी. लेकिन होता क्या है, बॉल जो है जिसने उसे सेट करना है या उसकी हिट या उसका फुट के मूवमेंट जो है वो किस तरीके से होगा, या बॉल जो है वहां कहां से बाउंस करके अंदर गोल के अंदर जाएगी. इन द सेम वे अगर हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, नॉर्मली होता है ना कैरम बोर्ड की जो हम पॉइंट्स डालनी होती है स्ट्राइकर से, वैसे तो हम नॉर्मली अपनी लाइन से हिट करके ही डालते हैं, लेकिन समटाइम्स व्हेन द कॉइंस आर वन बिहाइंड अनदर, तो हमें शॉट लेना होता है टू पुट द क्वीन अलोंग विद दिस सोल्जर. तो हमने किस तरीके से वो डालना है, उसे एनालाइज करना, उसे देखना,
और उसके बाद शॉट को सेट करना, दैट इज कॉल्ड अ ओरिएंटेशन एबिलिटी. एनालाइज करना, बॉडी को उस तरीके से सेट करना है, खुद उस तरीके से बैठ के हमने कैरम बोर्ड में शॉट मारनी, दैट इज कॉल्ड अ ओरिएंटेशन. अब क्लैरिटी होगी कि ओरिएंटेशन होती क्या है. नेक्स्ट इज कपलिंग. कपलिंग अब कपलिंग एबिलिटी क्या है, ये है कंबाइन द मूवमेंट. हमारे मूवमेंट्स जो हैं कंबाइन हो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग अ परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट. भिन्न भिन्न प्रकार के मींस दो या दो से ज्यादा मूवमेंट्स को कैसे, जहां पर हमारा दिमाग भी चल रहा है, आंखों को भी देखना है, हाथ का भी इस्तेमाल करना है, पैरों का भी इस्तेमाल करना है, तो हमने इनको किस तरीके से एक साथ लाना है और अपनी गेम को या अपने शॉट को किस तरीके से खेलना है, उसे हम कहते हैं कनेक्ट. कैसे पूरे टोटली हर चीज को कनेक्ट करके और हमने किस तरीके से शॉट देनी है, दैट इज कॉल्ड अ कपलिंग. ठीक है ना. इसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे हम जिम्नास्टिक कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना, जिम्नास्टिक में क्या है, उसके ऊपर बार, बैलेंसिंग बार के ऊपर हम खड़े हैं. हमने ये भी देखना है कि मैंने मूवमेंट करते हुए मेरा पैर जो है वो उसके ऊपर ही आना चाहिए, मेरे हैंड्स की मूवमेंट जो है वो आगे तक जानी चाहिए, बैलेंस मेरा बिगड़ना नहीं चाहिए, मेरी आई कॉन्टेक्ट जो है वो कहाँ पर होना चाहिए और मैंने किस तरीके से शॉट लेनी, ठीक है ना. मैंने उसमें किस तरीके से घूम कर अपनी पूरी बॉडी को किस तरीके से चक्रासन में टर्न करके और मैंने हाथ और पैर दोनों उस बैलेंस पर रखना है और मैंने अपनी आईज, ब्रेन, फुट, हैंड सबके जो है कॉम्बिनेशन, मूवमेंट्स की कॉम्बिनेशन जो है वो एक साथ रखनी है, ठीक है ना. परफेक्ट परफॉर्मिंग के लिए मुझे इस तरीके से इस शो को या इस तरीके से मैंने इस एक्टिविटी को करना है, दैट इज कॉल्ड अ कपलिंग. ठीक है बेटा. अब आता है रिएक्शन एबिलिटी. इसको समझाने की इतनी जरूरत नहीं है. रिएक्ट करते हैं हम किस तरीके से, रिएक्शन जो होता है हमारा वो अकॉर्डिंग टू द सामने वाले किस तरीके से खेल रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी शॉट को, मैंने अपनी गेम को खेलना है. अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है, जब हम हॉकी के साथ खेल रहे होते हैं या फुटबॉल में खेल रहे होते हैं तो नॉर्मली वी फील कि जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे ओपोनेंट्स का वन बाय वन होता है कि एक के पीछे एक उसकी कवरेज करने वाला होता है ताकि जो ओपोनेंट है वो उनके पास ना आ सके, ठीक है ना. यहाँ पर रिएक्शन एबिलिटी में क्या होता है कि हमने रिएक्ट जो है इमीडिएट करना है ताकि बॉल को हम किस तरीके से उनके उसमें एरिया से लेकर अपने एरिया तक लेकर आए या शॉट जो लगाएं वो किस तरीके से इमीडिएट अपोनेंट के हमारी तरफ आते हुए हमने किस तरीके से शॉट लगाना है ताकि बॉल जो है एग्जैक्ट मेरे ही टीम के पर्सन के पास जाए या नियर टू द डी या उस तरफ पहुंच जाए ताकि आसानी रहे उस गेम को खेलने में या गोल कीपर जो है वो आसानी से बॉल के आते ही उसे इमीडिएट रिएक्ट करके उसका शॉट जो है वो किस तरीके से लगा. ये किसके अंडर आता है, दिस कम्स अंडर द रिएक्शन एबिलिटी. हमारी जो रिएक्शन एबिलिटी है वो इंस्टेंट होनी चाहिए, एकदम से माइंड और बॉडी दोनों जो है उसका रिएक्शन जो है इंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है. हमारे रिफ्लेक्सेस फास्ट होने चाहिए ताकि हम इमीडिएट उसका रिजल्ट दे सके. अगर हम सोचते रहे तो बॉल जो है वो चली जाएगी. सेम इन द वे व्हेन अ बैट्समैन हिट द बॉल, तो जजमेंट करनी, बॉडी को सेटअप करना, यहाँ पे सारी एबिलिटीज आती है ना. कपलिंग एक्टिविटी है कि हमारी हाथ, पैर, आंखें ज्वाइंट कब करना है और मैंने बॉल को कैच कैसे करना है, ठीक है ना. अगर मैंने कैच नहीं किया, कंसेंट्रेशन मेरी थोड़ी भी इधर से उधर हो गई और तो क्या होगा, बॉल जो है वो छूट जाएगी. लेकिन अगर मुझे इंस्टेंट पता है कि ये हिट बॉल ऐसे होगी और मैंने वहां जाके इसे कैच करना है एंड आई स्टार्ट रनिंग, दैट इज कॉल्ड अ रिएक्शन. अब उसके बाद आता है कि रिदम एबिलिटी एक होती है. रिदम एबिलिटी, रिदम का मतलब वैसे क्या होता है, रिदम का मतलब क्या होता है बेटे,
कोई बताएगा बेटे कि रिदम का मतलब क्या होता है? नहीं पता। रिदम क्या होता है? एरोबिक्स जो है वो किसमें करते हो? रिदमिक वे से ही करते हैं ना, म्यूजिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डांसेस वगैरह जो करते हैं, या पैरों का हम चलाते हैं, हैंड्स की मूवमेंट्स, ये सारी क्या है, ये होती है रिदम। हम इसे कह सकते हैं रेगुलर रिपीटिशन, रेगुलर रेपिटिशन और पैटर्न जो है उसे हम कहते हैं रिदम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिदम कहते हैं, रेगुलर जो रेपिटिशन होती है हमारी इस चीज की। ठीक है बेटा, उसे हम किस में लाते हैं? रिदम में। अब इसका एग्जाम्पल कोई देगा रिदम का, कि कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं? एरोबिक्स जो करते हो वो रिदम में ही करते हो ना बेटा, एरोबिक्स जो है, इवन जिमनास्टिक जो है वो भी रिदम में ही होती है। आपने देखा होगा मूवमेंट होती है म्यूजिक के साथ, रिबन्स का घूमना, दोनों हाथ से घूमना, या रोमन रिंग्स में लाना, या किसी और चीज का, हम विद द म्यूजिक, विद द रिदम ऑफ आवर बॉडी रेपिटेशन, हम कोई भी रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है ना बेटा, कहीं पर भी हम इसमें आसानी से, यहाँ पर जो हमारी स्टोर्ड या हमारी जो मेमोरी है कि मैंने इसके बाद ये वाला एक्शन करना है। एरोबिक्स में भी ऐसे ही होता है ना बेटा, हम क्या करते हैं, पहले अगर हमने जॉगिंग करनी है, देन हैंड मूवमेंट्स आर देयर, देन फुट मूवमेंट्स आर देयर, देन दिस, ये क्या है, हमारी रिस्टोर्ड मेमोरी के अंदर वो चीजें फिक्स हो रखी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी पूरी बॉडी को रिदम के साथ चलाना होता है। ठीक है ना, रेगुलर रिपीटेड एक्शंस जो हैं वो इसमें किए जाते हैं, तभी हम आसानी से कर सकते हैं कि हमने अपने शोल्डर्स को, अपनी एल्बो को, अपने नीज को कहाँ तक लाना है, कैसे करना है, या किस तरीके से होगा। देन देयर इज अ बैलेंस एबिलिटी इज देयर, वर्ड इटसेल्फ डिफाइन, शब्द अपने आप में ही पूरा बोल रहा है कि क्या करना चाहिए हमें, बैलेंस कैसे होगा हमारा। बैलेंस बेटे जहां पर हमारी बॉडी और उसके पार्ट्स जो हैं वो रिलेटिवली स्टेबल हो। ठीक है, हमने वन लाइन लेम लेग से खेलते हुए, हमने हॉपिंग करते हुए, हमने रनिंग करते हुए, हमारी जो स्टेबिलिटी है उसका होना, टर्न्स पे इमीडिएटली मुड़ने पे, शॉर्ट्स देने पे, हमारी बॉडी का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि हमें क्विकली डिस्टर्ब मूवमेंट के बाद भी हमें अपनी क्विकली, जैसे हम शॉर्ट लगाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है उसकी मूवमेंट जो है वो एकदम से अलग टेक्निक के साथ घूम जाती है, लेकिन हमें उसे बैलेंस में लाना है ताकि हम गिर ना सके या इम्बैलेंस ना हो सके। उसके बाद आती है एडेप्टिव एबिलिटी या एडेप्टेशन, ये है एबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। क्योंकि हम सीख के, कई बार ऐसे ही होता है ना, हम आंसर्स या क्वेश्चंस तो कुछ और रीड करके जाते हैं, लेकिन जब वहां पर क्वेश्चन ही कुछ और उसे टैकल करके या टेक्निकल बनाकर आ जाता है, तो वी हैव टू अडॉप्ट दैट फॉर्म, और हमें आसानी से उस आंसर को सही तरीके से लिखना होता है। ठीक है ना बेटा, रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। हमने मान लो कि खेला हो, हम हमें स्मूथ मैट पर कोई चीज खिलाई हो, लेकिन जब हम मैच के लिए गए हैं वहां पर जो ग्राउंड है या कोर्ट है, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर वे, जैसे हमने प्रैक्टिस किया है, लेकिन हमने उस पर भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर वे से देनी है, दैट इज कॉल्ड अडॉप्टेशन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं, या उस तरीके से एडजस्ट हो जाना। अब कई बार होता है कि मैचेस पे जब हम जाते हैं ना बेटा, तो वहां पर टीम्स में ऐसे होता है कि दो बच्चे किसी और टीम के ले लिए जाते हैं, या कॉम्बिनेशन पे होता है, या कुछ है, तो हमें उन बच्चों के स्किल्स या उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वी अडॉप्ट
एंड दे ऑल्सो अडॉप्ट, और उसके बाद अ गुड रिजल्ट के लिए हम वेट करते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, या चेंजेस जो हैं जिस तरीके से करवाई जाती हैं टीम में, कमेट्स में, टीम के में अगर खेलते हैं. हमने तो सिंगल सीखा है, लेकिन टीम के साथ खेलना कैसे है, या मिक्स्ड में है, किसी और को बुला लिया है, मेरे साथ उसको पार्टनर बना दिया है कि आप दोनों ने मिलकर ये गेम को खेलना है, एंड आई डो नॉट नो रिगार्डिंग दैट, बट आई ट्राई टू एडजस्ट माई सेल्फ एंड द सेम वे दैट अदर टीम मेंबर ऑल्सो ट्राई टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द माई गेम. वो मेरी गेम के तरीके से या मैं उसके तरीके से एडजस्ट होकर एक गुड रिजल्ट देने के लिए हम जब करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एडेप्टेशन. उसे क्या कहते हैं? एडेप्टेशन. एक होता है डिफरेंशिएशन, एबिलिटी. ये सारी वैसे इंटरलिंक होती है एबिलिटीज, क्योंकि कोई भी गेम या कोई भी हमारा बॉडी पार्ट या कोई भी मेंबर जो है या टीम्स या स्पोर्ट्स पर्सन में ये सारी क्वालिटीज यू कैन फाइंड एंड एबिलिटीज, और ये इंटरलिंक एक दूसरे के साथ होती रहती हैं. अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन के मतलब है अलग अलग विभिन्नता, ठीक है ना बेटा. डिफरेंट द एबिलिटी टू एंटेन अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इकोनॉमी ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट एंड मूवमेंट फेजेस. कैसे करनी है हमने उसके बारे में जब हम करते हैं, दैट इज मोटर एक्शन जो है वो किस तरीके से हम उस फेज में करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन एबिलिटी. उसे हम डिफरेंशिएशन एबिलिटी कहते हैं. इसे आप एक तरीके से फिर हम इसे कर लेते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, अलोंग विद द बॉडी पार्ट्स आता है, जहां पर हम आराम स्मूथ वे से एक्यूरेटली इफेक्टिवली रिजल्ट के साथ कोई काम को करते हैं. अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये है पहला है इसकी टाइप है ओरिएंटेशन, देन कपलिंग, देन रिएक्शन, देन रिदम, देन बैलेंस, देन एडेप्टेशन एंड देन डिफ्रेंशिएशन. ये है इसकी टोटल की टोटल क्लासिफिकेशंस या टाइप्स ऑफ एबिलिटीज हैं, ठीक है ना. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है. दिस चैप्टर इज नाउ ओवर. अब हमारा कल टेस्ट भी इसी का है, आई होप सो, ठीक है ना. कल आपका इसी में से टेस्ट है, सो लेट अस रिवाइज द थिंग्स वंस कि आपको क्या क्या इसमें करवाया गया है. फ्लो चार्ट्स जो हैं वो आपको बनाने आने चाहिए, और वाइल making a flow chart in a bracket you have to write the small definition in a correct manner. जब आपने फ्लो चार्ट बनाना है, मान लो अगर आपको कहा जाता है कि आप ड्रॉ करो फ्लो चार्ट स्ट्रेंथ का, ठीक है ना बेटे. स्ट्रेंथ या स्पीड या किसी चीज का फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ करना है, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे इसके बारे में हमने नॉर्मली लेना है कि जो स्ट्रेंथ है उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है. उसके बाद उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना. स्टैटिक है, डायनेमिक है, आई एम गिविंग यू जस्ट वन एग्जांपल हाउ टू. अगर फ्लो चार्ट स्ट्रेंथ का बनाना है, स्टैटिक क्या होता है, स्टेशनरी पोजीशन में की हुई स्ट्रेंथ की एक्टिविटी, वेयर एज डायनेमिक जो है वो मोमेंटम है. अब इसके पास इसके थ्री पार्ट्स हैं, एक्सप्लोसिव है, मैक्सिमल है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है. तो ये क्या चीजें होती हैं, बिकॉज यू आर इन अ 12th स्टैंडर्ड यू मस्ट बी नोइंग दिस कि फ्लो चार्ट जब हमने ड्रा करना है, हमने स्ट्रेंथ की जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, और वो क्या है कि हमारी मसल्स जो है रेसिस्ट इन अ वन मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है ना, वर्क को करती है. स्टैटिक में हम स्टेशनरी पोजीशन में वर्क करते हैं जिसमें आउटपुट जीरो होती है, वेयर एज इन अ डायनेमिक जो है हमारी वो नजर आती है सारी एग्या, हम उसे मूवमेंट में करते हैं. इसके तीन पार्ट्स हैं, पहला है एक्सप्लोसिव, दूसरा है हमारे पास
मैक्सिमम, और तीसरा है हमारे पास स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब उनके क्या होता है, मैक्सिमम में हम एक बार में सिंगल मूवमेंट में हम मैक्सिमम अपना जोर जो है वो उसमें दिखाते हैं। एक्सप्लोसिव में क्या होता है, ओवरकम विद अ हाई स्पीड। एक्सप्लोशन जो है वो स्पीड से रिलेटेड है कि सिंगल उसमें हम जब क्या करते हैं, ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में होता है रेसिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। इसमें विद अ फुल स्पीड है, और फर्स्ट वाला जो है वो है मैक्सिमम रेसिस्टेंस इन अ सिंगल एफर्ट में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव मैक्सिमम और सॉरी मैक्सिमम और एक्सप्लोसिव में है वन स्पीड में, इसमें वन एफर्ट में है, और इसमें हमारी जो है एफर्ट्स जो है वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग है। अब उसके बाद है इसके मेथड कौन कौन से हैं, वो है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकैनेटिक। उसके बारे में अगर ये चार नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है आपको पता है, तो आपने उसकी पूरी डिटेल देनी है, उसकी डिटेल देनी है, जस्ट वहीं पर नहीं छोड़ देना। हो सकता है आज एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक, तो उसमें हमने क्या लिखना है, जो आइसोमेट्रिक होता है उसमें थर्ड पर्सन को मसल्स की लेंथ की विजिबिलिटी नहीं होती है, वेयर एज इन आइसोटोनिक द मूवमेंट की जो एक्सरसाइज के बॉडी पार्ट की विजिबिलिटी दूसरे पर्सन को रहती है। यहाँ पर आइसोमेट्रिक में लेस मस्कुलर एंडोरेंस डेवलप होती है, वेयर एज इन आइसोटोनिक मोर मस्कुलर एंडोरेंस इज डेवलप। उसके बाद आइसोमेट्रिक में नॉर्मली क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जो होती है वो एट वन प्लेस होती है, वेयर एज इन आइसोटोनिक में जो है वो डेवलपमेंट ऑफ जो मसल्स की है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के साथ होती है। आइसोमेट्रिक में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है लेकिन लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि मूवमेंट्स ज्यादा नहीं होती है, वेयर एज इन आइसोटोनिक द मूवमेंट्स डेवलप, स्ट्रेंथ भी होती है और उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। रिकवरी जो होती है बैठे रहने से रिकवरी जो है वो स्लो होती है, मूवमेंट्स में रहने से रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। ठीक है ना बेटा, हम इस चीज को आसानी से कर सकते हैं कि हमने इसे किस तरीके से शो करना है। इसी तरीके से अगर सर्किट ट्रेनिंग का आ जाता है तो हम चार नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो हमने उसमें पहले इंट्रो देनी है कि व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 10 से 12 एक्सरसाइजेस का एक सेटअप होता है जो हम करते हैं, ये मॉर्गन के द्वारा और एडमसन के द्वारा 1957 में बनाया गया था रिसर्च के बाद, हाउ टू डेवलप द स्ट्रेंथ, जितने कॉम्पोनेंट्स हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए, और इसके लिए अलग अलग स्टेशन पर उन्होंने उसको 20-30 सेकेंड्स तक करना होता है, बीच में रेस्ट होता है। इस तरीके से हमारे ये सारे जो के पांचों कंपोनेंट्स जो हैं वो उनके डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आसानी से हेल्पफुल होते हैं। अब सर्किट ट्रेनिंग जो है वो दो टाइप की होती है, एक जनरल से होती है, एक स्पेसिफिक होती है। जनरल में हमारे टोटल बॉडी पार्ट्स के जो आप हेड टू टोस तक के हैं वो सारे के सारे हमारी एक्सरसाइजेस करवाई जाते हैं, वेयर एज इन स्पेसिफिक रिलेटेड टू द पर्टिकुलर गेम जो है वो हमारा करवाया जाता है, एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाती है।